हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका लास्ट चैप्टर कराऊंगी। आपके दो चैप्टर बचे हुए थे हिंदी में, एक था औपचारिक और अनौपचारिक कथन और दूसरा था आपका अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मूल्यांकन। तो मैंने दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया, क्योंकि मूल्यांकन आप पढ़ चुके होंगे शैक्षिक मूल्यांकन में, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और औपचारिक अनौपचारिक में भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का लेखन। ठीक है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैंने मर्ज कर दिया है चैप्टर को। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। इसके बाद मैं बात करूँ आपका जो इसमें चीज़ें बची हुई है, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, साथ साथ तत्सम तद्भव शब्द हो गए, तो इनको मैं अलग से कराऊंगी। वैसे मैंने पढ़ा तो दिए हैं, पर ये हमेशा आपके अलग से पूछे जाते हैं, तो इनको मैं अलग से आपको एक लेक्चर में कवर करवा दूंगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका उपसर्ग प्रत्यय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया विराम चिन्ह, और आपका लास्ट है समास। समास तो आपने अभी पढ़े ही हैं संस्कृत में, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समास देखने हैं, तो ये जो तीनों क्लास है आपको सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी हिंदी की, आप वहाँ से इन तीनों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका औपचारिक अनौपचारिक कथन से। तो औपचारिक कथन क्या होते हैं आपके, जो औपचारिक कथन में क्या होगा, शिष्टाचार का ज़्यादा महत्व होगा। मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हम क्या करें, जो शिष्टाचारी शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया, जैसे महोदय हो गया, श्रीमान हो गया, इस तरीके से। तो ये औपचारिक जो कथन होंगे शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं, इनके प्रयोग के पीछे नैतिकता की विविधता होती है, यानी कि इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कि हम हमसे कोई बड़ा है या अधिकारी वगैरह है जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, कोई भी आपके प्रिंसिपल हो गए, तो वहाँ पर क्या है सर या मैडम बोलना पड़ेगा ना, शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इच्छा ना होने पर भी इसका प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक कथन कुछ ऐसे होते हैं ना कि हमारी इच्छा है नहीं है, फिर भी हमें उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा औपचारिक में, क्योंकि औपचारिकता का मतलब ही क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी करनी है, करनी ही पड़ेगी। पत्र लेखन में भी आया था ना, वैसे ही सेम टू सेम है। निश्चित और सच्चे संक्षिप्त होते हैं, और क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और डेफिनेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं आपका अनौपचारिक कथन, तो ये क्या होते हैं, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। अपने घर में जो भी छोटे भाई बहन है उनके साथ जो हम कथन करेंगे यूज़ बातचीत में, वो आपके अनौपचारिक कथन में आएंगे। यथार्थता पर आधारित होते हैं, इनकी सत्य पर आधारित होते हैं। स्वेच्छा से इनका प्रयोग किया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं होती कि करना ही करना है, वहाँ पर आपको इच्छा पर कुछ निर्भर नहीं करता था, इच्छा हो ना हो फिर भी आपको औपचारिक कथन का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। और ये अनिश्चित होते हैं, जितना बोलना है उतना बोल सकते हो, लेकिन औपचारिक में क्या होगा, सिर्फ निश्चित यानी कि छोटे होंगे, संक्षिप्त होंगे, प्रिंसिपल के सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकते ना, वरना फिर पिटाई लग जाएगी। और अपने भाई बहनों के साथ जितना बोलना है उतना बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक कथनों का संबंध किन किन लोगों से होता है, तो इसका संबंध प्रधानाचार्य से, वरिष्ठ कर्मचारी हो गए, अपरिचित कोई व्यक्ति हो गया, कोई रास्ते में मिल जाते हैं तो क्या उसके साथ भी हम बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, यानी कि वहाँ भी हमें औपचारिकता दिखानी होती है। अपने जो वृद्ध जन होते हैं जैसे दादी बाबा हो गए, नाना नानी हो गए, उनके साथ भी हमें क्या शिष्टाचार के रूप में रहना पड़ता है, शिष्टाचारित होकर रहना पड़ेगा, तो वहाँ भी औपचारिक कथन का ही प्रयोग करेंगे। तो इन सभी लोगों के सामने क्या रहेगा, ऐसे आप और भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी आप जिलाधिकारी हो गया, और भी अपने सर मैडम हो गए, उनके साथ भी क्या है औपचारिक कथन का ही प्रयोग किया जाता है। औपचारिक कथन के लिए स्थल कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो विद्यालय, डाकघर, बैंक, कार्यालय, ये सब। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में था आपका औपचारिक पत्र, यहाँ पर है कथन। कथन मीन्स बोलना, ठीक है, स्टेटमेंट देना, कोई वाक्य कहना। अनौपचारिक कथन के लिए अगर हम बात करें, तो अनौपचारिक कथन का संबंध हो जाएगा आपके माता पिता से, छोटे भाई बहन से, और फिर मित्र आदि लोगों से। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी हम कितने फ्रेंकली रहते हैं, जो मर्जी आए वो बोलते हैं, बातें ही नहीं खत्म होती है ना। और अनौपचारिक कथन के अगर स्थल की बात करें, तो घर हो गया, मंदिर हो गया, अस्पताल हो गया, इत्यादि। ठीक है, विद्यालयों में भी हम अपने दोस्तों के साथ ही रहेंगे, लेकिन वैसे जो वरिष्ठ या मतलब बड़े लोग हैं उनके साथ कैसे रहना पड़ता है, मैं औपचारिक रूप से। नेक्स्ट है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास, तो इसका विकास कैसे कर सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक कथन का,
तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा अगर भाषा विकास होता है आपका तो किससे होता है, वार्तालाप के द्वारा, ठीक है, बातचीत के द्वारा भाषा विकास बहुत होता है। इसलिए बच्चों को क्या करते हैं, बातचीत यानी कि वाद विवाद के लिए प्रेरित करना, वार्तालाप के लिए प्रेरित करना, ये सभी उसी में आता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी होता है, जब हम पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो बहुत सी क्या होती है, पाठ्य पुस्तकें अपनी अपनी भाषाओं में लिखी होती है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आती हैं, तो वहाँ से क्या है आपको दोनों ही भाषाओं की जानकारी मिलेगी और आप क्या है उनको सीख पाएंगे। नेक्स्ट है अभिनय के द्वारा यानी कि नाटक करके सिखाना। फिर है आपका लेखन के द्वारा, बच्चों से लिखवा के भी उनसे औपचारिक अनौपचारिक, जैसे पत्र लेखन हो गया आपका, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखवाए जाते हैं ना, औपचारिक पत्र भी लिखवा सकते हो, जैसे किसी मित्र के लिए कि आपका जो जन्मदिन है आप उस पर अपने मित्र को आमंत्रित करें, तो वहाँ पर भी आप एक पत्र लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा अनौपचारिक में। आपको छुट्टी लेनी है तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल को, तो वो आपका किस में आ जाएगा, औपचारिक में। तो पत्र लेखन या कुछ भी लेखन के द्वारा भी हम इसको विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संचार उपकरण के द्वारा, तो जो बातचीत के उपकरण होते हैं ना सूचना संचार वाले, उनसे भी भाषा का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन जो है आपका ये शैक्षिक मूल्यांकन में ही आपको फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि जो बालक है, बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा है उसने उसके लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसने किस सीमा तक और किन किन उद्देश्यों को वो प्राप्त कर चुका है, ये बताता है मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है, एक व्यापक पद होता है और ये निरंतर चलती रहती है, अनवरत चलती है, ठीक है। मूल्यांकन आपका डे मतलब कि कंटिन्यू चलता ही रहेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक क्या होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। तो 3 पॉइंट आपके बहुत हैं यहाँ पर, बाकी के आपको मिल जाएंगे शैक्षिक मूल्यांकन में। मूल्यांकन के लिए प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण से आपका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएँ क्या क्या होती है, ठीक है, कैसे होने चाहिए, उनके गुण क्या हैं। तो अच्छे जो प्रश्न होते हैं उनकी विशेषता क्या है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं निम्नवत हैं, इनकी भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जिससे क्या है छात्र प्रश्नों को भलीभांति समझ सके। भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होगी तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगी कि इसमें है क्या, क्या समझना है, क्या पूछा गया है, क्या बताना है, इसीलिए भाषा क्या हो स्पष्ट हो और सरल हो, ताकि हर एक बच्चा उस भाषा को समझ सके और उसे ये समझ में आए कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न उद्देश्य के साथ साथ संबंधित होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए प्रश्न का, वरना प्रश्न पूछ रहे हैं कोई भी बात हो, ठीक है, कुछ भी पूछा जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका, यानी कि कुछ अर्थ भी निकले, कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, कोई मीनिंग भी होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम के अनुसार होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे आपकी क्या है, ये शिक्षण के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। सेकेंड क्लास का बच्चा है तो सेकेंड क्लास तक के स्तर के ही प्रश्न होने चाहिए, यानी कि हम 7th या 5th क्लास के प्रश्न डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल कर सकते हो थर्ड का, लेकिन ये नहीं कि थर्ड के पूरे लास्ट तक के, छोटी सी आप चीज़ें बढ़ा सकते हो पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे ही 5th क्लास का अगर बच्चा है कोई, तो एकदम से लेवल गिराना भी नहीं है कि सेकेंड या थर्ड के आप डाल रहे हो प्रश्न, तो प्रश्न जो है शिक्षण के स्तर के अनुकूल भी होने चाहिए। एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए, एक से अधिक विचार वाले प्रश्न नहीं कभी भी पूछने चाहिए, इससे क्या है बच्चे उलझ जाते हैं, ठीक है, उनको प्रश्न समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन है, इसीलिए एक क्वेश्चन में एक ही विचार होना चाहिए, एक से अधिक विचार वाले जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को उलझा देते हैं। अब प्रश्न का रूप कैसा हो, तो प्रश्न में क्या कब क्यों कहाँ कैसे कौन क्या, इन सभी का यूज़ करके हम प्रश्न को बना सकते हैं। आगे बढ़ते प्रश्न किस ढंग से पूछे जाएं, तो देखो समस्त कक्षा को संबोधित करके मैं प्रश्न पूछने चाहिए कि सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे फिर, क्योंकि बच्चे सीखते कैसे जब वो सक्रिय होते हैं, और बच्चे सक्रिय कब होंगे जब सब पे टीचर का ध्यान सभी बच्चों पर होगा, इसीलिए क्या करें टीचर की जो प्रश्न पूछे वो सभी कक्षा से पूछे, कक्षा के सारे छात्र उसमें एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, कभी कभार होता है ना टीचर का कि वो प्रश्न को काफ़ी बार रिपीट करता रहता है, तो इसमें क्या है बच्चे का ध्यान भटकता है, हम लोग एक बार बोल दें और एक बार अगर नहीं आवाज सही जा पाई है बच्चों तक, दोबारा प्रश्न आप बोल सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कि आप प्रश्न बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो बच्चे के मन में जो आंसर आ रहा होगा, जैसे ही आंसर आया आपने पुनः जब उसको दोहराया तो वो आंसर फिर से वो आपके क्वेश्चन पर ध्यान देने लगेगा और उसका आंसर चला जाएगा,
तो इसीलिए बार बार रिपीट नहीं करना है। सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए कि प्रश्न बोला, बच्चा जब आंसर देगा, सोचेगा उसका आंसर, तो थोड़ा सा टाइम भी हम उसे देंगे, नहीं कि पूछा और तुरंत मारने लगे, पूछा या फिर चिल्लाने लगे कि नहीं आता है तुम्हें, ऐसा नहीं करना है। उनको सोचने का पर्याप्त समय देना है और प्रश्न पूछते समय हमेशा आवाज़ को तेज रखना है ताकि सभी बच्चों तक आवाज़ जाए और वो पर्याप्त सुन सकें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है हमसे। आगे आपका प्रश्नों का प्रकार, तो प्रश्न के जो प्रकार हैं आपके वो अभिव्यक्ति के अनुसार हैं आपके दो प्रकार, मौखिक और लिखित, क्योंकि अभिव्यक्ति क्या होती है, दो ही प्रकार की होती है, या तो हम अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं या फिर मौखिक रूप से, इसीलिए मौखिक और लिखित आपके दो प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे ओरल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, उस वही है आपके ये, ठीक है। सीखने के स्तर के अनुसार आपके तीन प्रकार के प्रश्न हैं, ज्ञानात्मक हो गए, भावात्मक हो गए और क्रियात्मक हो गए, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। और नेक्स्ट है आपका उत्तर देने की प्रक्रिया के अनुसार, तो आपका वस्तुनिष्ठ हो गए और निबंधात्मक प्रश्न हो गए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ, निबंधात्मक में आपके लघु उत्तरीय वगैरह भी आ जाएंगे और बड़े वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका जो भी था सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। हिंदी का मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका, और कोशिश करूँगी 20 या 20 तक का मैंने बोला था, पर अभी थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड हो गया मेरे ऊपर, मैं क्विज भी आपकी कराने लगी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका 25 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे खींचना है, फिर मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। और एग्ज़ाम की बात रही तो एग्ज़ाम आपके जैसे मुझे देखने में लग रहा है, उम्मीद नहीं है कि मुझे मई तक हो पाएंगे, जून में शिफ्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम, तो टेंशन मत लो एग्ज़ाम एग्ज़ाम की, बस तैयारी करते हुए चलो, ठीक है। चाहे मई में आए चाहे जून में, हमें क्या करना है, बस तैयारी होनी चाहिए अपनी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।